तमाम राजनीतिक दलों को भी इसी दिन का इंतजार था, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत इस रण में झोंक देंगे। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित हो और पूरी पार्टी अपनी तैयारी के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा निश्चित तौर से, क्योंकि आम जनता, आम लोग परेशान हैं, दुखी हैं। व्यक्ति इस सरकार से उठ चुका है तो पूरे उत्तर प्रदेश की 17 सीट बाकी हैं, केवल अमेठी रायबरेली में 17 सीट बाकी हैं और एक साथ घोषित होंगे। पूरे रायबरेली और अमेठी के लोगों की डिमांड है कि वहाँ से गांधी परिवार का व्यक्ति लड़े। हमारा दो ही मुद्दा है, एक तो है वन फेज में वोट चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टेट को जो सिचुएशन है कम्प्लीटली फुल्ली पीसफुल डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, हम लोग एक ही फेज में इलेक्शन चाहते हैं। अब देखिए, ये पिछले असेंबली इलेक्शन की वक्त वो 8 दफा में वोट किए थे, क्या रिजल्ट हुआ, तृणमूल कांग्रेस ही जीत गया था। दिस टाइम हम लोग एक ही फेज में वोट चाहते हैं। कहां अब भी किसका गठबंधन फंसा है, बड़ी तस्वीर देख लीजिए, एक एक करके हम आपको बताते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो 40 सीटें हैं, यहां आरजेडी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग अब भी तय नहीं हो पाई है। लालू यादव कांग्रेस को डिमांड के मुताबिक सीट देने को राजी नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सीटों का ऐलान भी अभी बाकी है। इसके अलावा बिहार के बाद बात महाराष्ट्र की करें तो 48 सीटों को लेकर भी दोनों खेमों में टकराव जारी है। महाअघाड़ी और महायुति यानी इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन अभी तक सीट फाइनल नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीट और केरल में 20 सीट, दोनों जगह इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीट पर लड़ रही हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वहीं 20 सीटों वाले केरल में भी लेफ्ट ने कांग्रेस का कोई लिहाज नहीं किया है। राहुल गांधी की सीट वायनाड पर भी उसने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो यहाँ पर ये वो राज्य हैं जहाँ पर डील फाइनल नहीं हो पाई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं ये भी कल साफ हो जाएगा। आज साफ होना है, आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और जम्मू कश्मीर को लेकर के भी स्थिति साफ होनी है। इसके अलावा आम चुनाव की तारीखों का तो ऐलान होगा और देखना यह होगा कि कितने चरण में होते हैं। माना यह जा रहा है कि 6 से 7 चरण में होंगे। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। अब आपको फिर बताते हैं कि किन किन राज्यों में कितने फेज में वोटिंग हो सकती है। हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार की तो यहाँ पर 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। राज्यों की जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अलावा सुरक्षा के नजरिए से ये एक पॉसिबिलिटी है कि इन 3 राज्यों में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। बाकी स्थिति दोपहर 3 बजे के बाद साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें 4 से 5 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में चुनाव हो सकता है। अब ये भी देख लेते हैं कि चुनाव में बड़े मुद्दे क्या क्या हैं। CAA ये एक बड़ा मुद्दा है, CAA लागू होने का ऐलान हुआ है, राम मंदिर, इसके अलावा मजबूत भारत, मजबूत सरकार की गारंटी, आर्थिक विकास की गारंटी, मुफ्त अनाज, अनुच्छेद 370, महिला आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना, परिवारवाद, किसान, ये बड़े मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के। और सियासी रण तो बिछा हुआ है, वार पलटवार भी हो रहे हैं, लेकिन आज चुनाव कितने चरणों में होंगे ये तस्वीर दोपहर 3 बजे साफ होगी। वही CAA की अगर हम बात करें तो घमासान जारी है, सियासी हमलों का दौर जारी है। एक बार फिर AIMIM चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा कि ये एक साजिश है जिसके जरिए हमें किनारे हमारे मुल्क में परेशान करने का मकसद है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और PM नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि अगर किसी की नागरिकता नहीं जाएगी तो दोनों नेताओं को खड़े होकर कहना चाहिए कि NPR और NRC नहीं होगा। ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, हमें हमारे मुल्क में परेशान करने का मकसद है। आप क्या कह रहे हैं आज, नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है।
कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं, कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में, बोलो। वहीं रक्षा मंत्री ने रांची में सीएए पर बोलते हुए एक बार फिर समझाने की कोशिश की है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। सुनिए जरा। ना ना ना, कोई खतरा नहीं है, आश्वस्त रहना चाहिए देश के मुस्लिम समाज को भी, क्योंकि हम जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं है। हम लोग इंसाफ, इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यह हमारी राजनीति का आधार है। अच्छा सर, किसी की नागरिकता तो इसमें जाती नहीं है। यह कानून जो है, नागरिकता का कानून जो है, इसमें किसी की नागरिकता तो जाती नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही पाकिस्तान में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और जिन लोगों ने भारत में आ गए हैं अथवा भारत में शरण लेना चाहते हैं, उनको नागरिकता देने की बात। पाकिस्तान में मुस्लिम का धार्मिक उत्पीड़न नहीं होगा, इस सच्चाई को भी तो समझिए। अरे भाई, वैसे भी यदि कोई मुसलमान हो या किसी देश का कोई नागरिक हो, भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो नागरिकता लेने का भी एक प्रोसेस है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नागरिकता ली है, उस पर भी कहां प्रतिबंध लगा हुआ है। या तो यह है कि तीनों देशों में जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न के कारण यदि वह भारत आए हैं अथवा आना चाहते हैं, माने जो आए हुए हैं अभी तक दिसंबर 2014 के पहले तक, उनको जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी, यही है नागरिकता। देश भर में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सीएए के विरोध की बात की तो बीजेपी ने हमला बोल दिया, लेकिन विपक्ष के बयानों के विरोध में दिल्ली में भारी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखे। कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखे पोस्टर भी नजर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में शरण लिए हुए लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके लागू होने से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें उनके देशों में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उसी वजह से उन्होंने भारत में शरण ली थी। हम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहां से आए हैं, वहां पीड़ित थे, परेशान थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने वहां हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उधर हिंदू होना एक गुनाह हो गया है पाकिस्तान में, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू की इज्जत ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेस दफ्तर से पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड के पास हिंदू और सिख शरणार्थियों ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। एक रोज पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हिंदू और सिख शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। और जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने से रोका गया तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। लोहे के बैरिकेड के पास खड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले धक्के देकर पीछे करते नजर आए। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प होती रही। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने वहां मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर पहुंची एक महिला प्रदर्शनकारी वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। उस महिला को पुलिस वालों ने समझा बुझाकर पीछे की तरफ कर दिया। मुश्किल है यहां पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी सामने आ रही है, जहां पर महिला प्रदर्शनकारियों को पकड़कर प्रोटेस्ट साइट से ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आई एक दूसरी महिला शरणार्थी तो भावुक होकर रोने लगी। पाकिस्तान से आए थे, हमारे को नागरिकता चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काफी देर हंगामा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड को गिरा दिया। बैरिकेड गिरते ही कई प्रदर्शनकारी तेजी से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें रोक लिया।